हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। कृषि लोन स्कीम स्टेट बैंक इंडिया की, ट्रैक्टर लोन के लिए चार तरह के लोन मिलते हैं। ट्रैक्टर के चार तरह के लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है। चारों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। एक वीडियो में इसको समाहित करना या एक वीडियो में इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं चार अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये चार तरह के लोन हैं ट्रैक्टर के। अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। इसको मैंने थोड़ा स्टडी किया और आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आपके लिए मैंने इसको आसान बना दिया है। चार लोन है, न्यू ट्रैक्टर लोन स्कीम, तत्काल ट्रैक्टर लोन स्कीम और SSTL, इसको बोलते हैं श्री शक्ति ट्रैक्टर लोन, श्री शक्ति ट्रैक्टर लोन विद लिक्विड कोलेटरल, और श्री शक्ति ट्रैक्टर लोन मॉर्गेज फ्री। तो चार तरह के लोन हैं। तो मैं आपको जो पहला लोन, उसके मैं नया ट्रैक्टर है जो न्यू ट्रैक्टर लोन स्कीम के बारे में बता रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसकी फीचर के बारे में बताऊं मैं सबसे पहले। इसको मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए लिखा है कि कुछ हमारे साउथ के दोस्त हैं, उनको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है। तो इसकी जो कुछ फीचर हैं, द लोन अमाउंट विल कवर कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर एक्सेसरीज, इंप्लीमेंट, इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक ट्रैक्टर खरीदने में ट्रैक्टर की कीमत, उसके साथ में हैरो है, कल्टीवेटर है, ट्रॉली है, या इस तरीके की जो औजार हैं वो, कुछ और औजार आप खरीदना चाहते हैं, या ट्रैक्टर की एसेसरी है, छतरी लगवानी है या पीछे वो जो पुली लगवानी है, या इस तरीके की जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आपको काम कराना है वो, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं वो इस लोन अमाउंट में शामिल होते हैं। कोई अपर सीलिंग नहीं है इस लोन की। 7 दिन में इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिस दिन आप सबमिट करते हो। अगर आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने समय पर दे दिए हैं तो 7 दिन में इसकी प्रोसेसिंग होगी। और इसकी जो फैसिलिटी है पेमेंट की, वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रीपेमेंट फैसिलिटी है, जो आप ईएमआई जिसको कहते हैं, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉम्प्टली पे करते हैं, यानी अगर आप कहते हो कि मैं इसको क्वार्टरली पे करूंगा हर 3 महीने में, और हर 3 महीने में आप उसकी पेमेंट करते हैं, तो आपको 1% पर एनम का इंटरेस्ट में कंसेशन होगा। ये इस स्कीम की फीचर है। कौन सी स्कीम है? न्यू ट्रैक्टर लोन स्कीम। एलिजिबिलिटी, कौन वो आदमी है जो इस स्कीम को का फायदा उठा सकते हैं या इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर ले सकते हैं? कम से कम 2 एकड़ जमीन उनके नाम पे होनी चाहिए, और अगर जमीन मान लीजिए इकट्ठी है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और 2 एकड़ जमीन आपके हिस्से में आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ लैंड फॉर वैल्यू नॉट लेस देन 100% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना आप लोन ले रहे हैं उतने अमाउंट की वो आपको मोर्टगेज, यानी आपकी जमीन की कीमत उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं? ये डॉक्यूमेंट 3 तरह से डिवाइड होते हैं। पहला है प्री सैंक्शन, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और आपको लोन लेने के लिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म, 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार, इनमें से आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से होगा। पैन कार्ड हालांकि जरूरी हो गया है अभी। एड्रेस प्रूफ में आपका वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ लैंड, खतौनी जिसको कहते हैं एक तरीके की, वो आपको चाहिए, जमीन के कागजात। ट्रैक्टर जो एजेंसी है जहां से आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, और जो जो इक्विपमेंट आप उसके साथ खरीदना, इंप्लीमेंट खरीदना चाहते हैं, जो जो आप उसके साथ हैरो, कल्टीवेटर, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, उसकी एक कोटेशन उस डीलर से, और टाइटल सर्च रिपोर्ट ऑफ द पैनल एडवोकेट, ये कोर्ट में बनेगी, ये भी आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप ये जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, तो प्री डिसबर्समेंट आपको देने से पहले, लोन आपको देने से पहले आपको ये 3 डॉक्यूमेंट और देने हैं। ड्यूली एग्जीक्यूटेड लोन डॉक्यूमेंट जो ऊपर दिए गए हैं आपने, ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ लैंड फॉर मोर्टगेज, जो आप जमीन जो आप रख रहे हैं बैंक के पास उसके टाइटल डीड के कागजात, और 6 पोस्ट डेटेड चेक, के 6 चेक हैं, 6 पोस्ट डेटेड चेक्स आपको देने पड़ेंगे। जब आपका लोन हो जाए, आप सारा ट्रैक्टर खरीद लें, सारा सामान खरीद लें, तो उसके बाद आपको 3 कागज और देने हैं। आरसी बुक, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट आपको मिला है,
और हाइपोथेसिस चार्ज उसमें लिखा होगा कि स्टेट बैंक से आपने लोन लिया है, वो आरसी आपने बैंक को हैंड ओवर करनी है। ओरिजिनल आरसी आपके पास रहेगी वो, उसको आपको उस पर लिखा होना चाहिए कि स्टेट बैंक ने दिया, उसके फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। ओरिजिनल इनवॉइस और बिल इशूड बाय डीलर आपको देना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कॉपी आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उसमें ये चार स्कीम है। एक एक है आपके नया ट्रैक्टर लोन जिसके मैंने आपको बताया है, दूसरी तत्काल ट्रैक्टर लोन स्कीम है, तीसरी आपकी SSTL विद लिक्विड कोलैटरल है, चौथी श्री शक्ति ट्रैक्टर लोन मोर्टगेज फी फ्री है, उसमें मोर्टगेज नहीं रखना होता है। तो ये चीजें मैं आपको, मैंने डिटेल दे दिया कि इसकी क्या फीचर है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोलैटरल सिक्योरिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और आप जाके स्टेट बैंक के नजदीकी ब्रांच से मिलिए, लोन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपके सारे कागजात मुकम्मल हैं। तो ये एक पहला वीडियो था, इसमें चार वीडियो बनाऊंगा मैं ट्रैक्टर के लिए, जो ट्रैक्टर आप लोन ले सकते हैं। तो नया ट्रैक्टर लोन स्कीम, पहली स्कीम के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी। धन्यवाद। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो इसके बाद आएगा। थैंक यू वेरी मच।